हेलो एवरीवन, हेलो। वेलकम यू टू ऑल अमूल फेसबुक पेज। आप देख ही सकते हैं ना, फाउंडर ऑफ आर जीएस कलनरी मुंबई महाराष्ट्र से, और अमूल के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे स्टार्टर की जगह पर कभी भी बना सकते हैं। दो रेसिपी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक है आलू रोल की रेसिपी, आलू चीज रोल, जो कि हम बनाएंगे डेलीशियस से अमूल के प्रोडक्ट के साथ में। अमूल का पनीर, अमूल का चीज और अमूल का यहाँ पर है हमारे पास अमूल का पनीर, अमूल का चीज और साथ ही में है अमूल का मक्खन। ठीक है, ये है बहुत ही डिलीशियस सब पनीर एकदम मक्खन जैसा, और साथ में चीज क्यूब। इसके बिना तो डेली की लाइफ बिल्कुल फीकी है। हर किसी रेसिपीज में हम अमूल के चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी अमूल हमारे घर में हमेशा रहता है, और बटर तो हमेशा चाहिए क्योंकि इसके आगे सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आलू चीज रोल जो हम बनाने वाले हैं, उसकी एक फिलिंग बनेगी। हेलो अरुरा जी, हेलो हेलो एवरीवन। यहाँ पर आज मैं आपके लिए दो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एक है आलू रोल की रेसिपी। तो जो आलू रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, यानी बिना आलू के बनने वाला है। यहाँ पे मैं उसे बनाने वाली हूँ आलू के पापड़ के साथ में। ये लाइक में यहाँ पे ये है आलू के पापड़, होली स्पेशल आलू के पापड़। बहुत ही आसान सी मतलब ऑलमोस्ट अभी मार्केट में मिलने लगे हैं, नहीं तो ये घर में भी बहुत आराम से बन जाते हैं। ये रहा इसका पैकेट, ये मैंने रेडीमेड पापड़ लिया है। हेलो इमांगिता जी। तो सबसे पहले हमें जो पापड़ लगने वाले हैं ना, हम पापड़ को सोक करने के लिए रख देते हैं। रीजन ये है, हमें इसे सॉफ्ट करना है, और साथ में उसकी जो फिलिंग है वो हम पूरी इंडियन ले रहे हैं, पालक पनीर फिलिंग में। तो पालक पनीर, ग्रेवी वाला पालक पनीर यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये हमने पापड़ पे पानी डाल दिया। जी हाँ बिल्कुल, ये आलू के पापड़ ही हैं, लेकिन हम आज इसके साथ में रोल बनाएंगे। हम यहाँ पर बॉयल करके पोटैटो या फिर उसमें कुछ ऐड करके कॉर्न स्टार्च एंड ऑल वो सब ऐड करके हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं ले रहे। हमें दो पापड़ लगेंगे, तो सबसे पहला काम हम पापड़ को सोक करने के लिए रख देते हैं, है ना। साथ में पालक पनीर की फिलिंग रहेगी, तो पालक पनीर की फिलिंग हम ड्राई लेने वाले हैं, ग्रेवी वाला पालक पनीर नहीं। तो जब तक पापड़ बिल्कुल सेट होंगे फिलिंग करने के लिए, तब तक हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो मैं अभी आपको फिलिंग दिखाती हूँ। हेलो गीता आंटी, यहाँ पर मैंने आलू के जो पापड़ हैं होली स्पेशल उसे बिल्कुल सोक कर दिया है, और हम इसे साइड में रखते हैं। जैसे ही सॉफ्ट होगा हमारे लिए इसको फोल्ड करना
आसान हो जाएगा। हम इसकी फिलिंग देख लेते हैं अब कि फिलिंग क्या यहाँ पर हम लेने वाले हैं। फिलिंग हम बनाने वाले हैं पालक और पनीर की फिलिंग। बेसिकली पालक की जो भाजी में जाते हैं इंग्रेडिएंट वही लेंगे। चॉप करके स्पिनेच, चॉप टमाटो, चॉप अनियन, साथ में है हमारे पास हरी मिर्च और कुछ काले के टुकड़े। फटाफट से हम अपना इंडक्शन ऑन करते हैं और साथ में जाएगा फुल ऑफ चीज, अमूल का और पनीर। तो इसी बात में देर बिल्कुल नहीं करते हैं और हम अपनी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लगा लिया हमने अपना इंडक्शन। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। सेकेंड रेसिपी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पालक पनीर की एक भाजी। तो यहाँ पर पालक पनीर की ड्राई भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अमूल का बटर, ये हमने लिया अमूल का बटर। साथ ही में हम इसमें देंगे थोड़ा सा ऑयल। बिल्कुल हाफ टी स्पून ऑयल हमने इसमें दिया है और 1 टीस्पून बटर। अच्छे से गरम करेंगे। ये है हमारे पास गार्लिक के कुछ टुकड़े जिसे हम क्रश करके ले लेंगे। एकदम फ्रेशली ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह गार्लिक लेके एकदम फ्रेश गार्लिक इसमें हम ऐड करेंगे। इससे गार्लिक और बटर की जो खुशबू है ये देख सकते हैं, यानी गार्लिक मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल या नॉर्मल रिफाइंड, जी हाँ ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आज की जो कुकिंग है वो हम कर रहे हैं अमूल के साथ में। आप ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं डेलीशियस से अमूल के बटर के साथ में, इसलिए हमने यहाँ पर, आप बटर के साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल दे दीजिए नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल की जगह पर। साथ में यहाँ पर है हमारे पास चॉप्ड अनियन, अनियन के साथ में ही हम ऐड करेंगे, हेलो अर्चना दी, यहाँ पर अनियन के साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली और कुछ पुदीने के पत्ते। पुदीने का पत्ता जो है चॉप करके लिया है, हाथ से तोड़ कर लेंगे, नाइफ से बिल्कुल उसको कट नहीं करेंगे, नहीं तो रखने के बाद वो काला होने लगेगा। यहाँ पे अनियन को एकदम सोना होने तक का एकदम खुशबू आने लगेगी, क्योंकि बटर और गार्लिक का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है और पुदीने की भी इसमें आशा भी। यहाँ पर मैं ये जो पहली रेसिपी है, जैसा कि मैंने एक पहले भी बताया है, पापड़ रोल की रेसिपी बताई थी, जो कि चीज़ और सॉरी हमने उसे पालक कॉर्न चीज़ के साथ में
फिलिंग के साथ में रेडी किया था, बट यहाँ पर हम बिल्कुल देसी अंदाज में अपना जो पालक पनीर है ना उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो फिलिंग के साथ में जाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने पापड़ जो है वो दो बड़े पापड़ लिए थे, आलू के पापड़। आप अगर कोई और पापड़ नॉर्मल मूंग का या कोई भी लेना चाहते हैं तो आप उसको रिप्लेस करके ले सकते हैं। साथ में है हमारे पास अमूल का टेस्टी सा पनीर, इसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी आ रही है। मीडियम हीट पे करेंगे, अनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक का कुक करेंगे। तो चीज, अमूल बटर और पनीर के साथ में ये बिल्कुल फैंटास्टिक सी रेसिपी हमारी आज बनने वाली है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है क्योंकि पापड़ रोल या फिर पापड़ में कोट करके, पापड़ को फ्राई करके, क्रिस्प करके बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, बट ये रेसिपी एकदम हेल्दी वर्जन में है जिसे अभी तक मैंने बनाया है आपको, और भी लोग अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर नहीं बनाते हैं तो इतनी हेल्दी सी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ना ही इसे फ्राई करना है और ना ही इसे हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर पालक और पनीर की एक डिलीशियस सी साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे टमेटो, क्योंकि पालक पनीर में जैसे हम टमेटो भाजी में ऐड करते हैं ठीक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अगर हम इसमें अच्छे से पालक अपना पानी जो है वो छोड़ने लगा है, टमाटर का जो क्रंचीनेस है वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ड टमाटो लेना है और उसे बिल्कुल इसमें हमें पूरा गलाना नहीं है, सीड्स निकाल के और उसको सेपरेट करना है। पालक को, अनियन को अच्छी तरीके से कुक करने के बाद हम इसमें अपना स्पाइसेस ऐड करेंगे। अभी तक हमने इसमें ग्रीन चिली दी है, तो आलू का रोल तो बना रहे हैं लेकिन बिना आलू के, यानी आज की रेसिपी आलू के पापड़ के साथ में है। इसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑलरेडी चिली हम दे चुके हैं, लिटिल बिट टर्मरिक एंड अपना गरम मसाला जो कि हम पालक पनीर में जो स्पाइसेस यूज करते हैं एग्जैक्टली हमने वो ही स्पाइसेस यहाँ पर लिए हैं। कोई भी इटालियन स्पाइस या अनदर स्पाइसेस इसमें नहीं ऐड करेंगे। साथ में हमारे पास है पनीर, तो पनीर को हम क्रम्बल कर लेंगे या फिर आप ग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रम्बल कर रहे हैं पनीर को, ये देख सकते हैं पनीर को हमने अच्छे से क्रम्बल कर लिया है और हम इसे ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ड्राई पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे, आप इसे पालक पनीर की भुर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि फिलिंग के लिए चाहिए इसलिए हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप आलू का पापड़ लेंगे, हेलो निधि जी हेलो, जब आप आलू का पापड़ लेंगे तो उसमें भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्ट को ऐड करें। बिल्कुल टाइम नहीं लगा हमें फिलिंग बनाने में। थैंक यू इतना भी, कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ एक
नए इनोवेशन के साथ में रेसिपी सबके सामने लेकर आऊं, और ये कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी। अब हमारे पास ये जो है हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर दिया है, और बिना अमूल की चीज की हमारी रेसिपी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने ये क्यूब आसानी से यूज करने के लिए काफी आरामदायक होते हैं, तो एक एक क्यूब इस तरीके से आप बिल्कुल अपनी मन मर्जी का इसमें ऐड करें। यहाँ पर मैंने पूरी एक क्यूब ऐड कर दिए। अब हम इसे मिक्स देंगे। तो ये देखिए, पनीर चीज और बटर के साथ में पालक पनीर की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। हम इसे क्या करेंगे ना, अभी एक इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। चीज जो है वो प्रोसीड चीज लेनी है, प्रोसीड चीज के साथ में ही हम जाएंगे। तो हमारे पास फिलिंग रेडी है, ठंडा करेंगे। अब हम अपना पापड़ चेक करेंगे कि पापड़ की क्या कंडीशन है, वो हमारे रेसिपीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं। चलिए हम देख लेते हैं पापड़ की क्या कंडीशन है। इस प्रोसेस को हमने करने के लिए रख दिया था, तो देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं पापड़। चूंकि ये पापड़ धूप में सुखाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम इधर ले लेंगे। दूसरे पापड़ को हम बाद में इसमें थोड़ा सा पानी हम सुखा देंगे, और फोल्ड करके देख ले कि टूट नहीं रहा है। जैसे ही आपका पापड़ ये देख सकते हैं सोख होने लगा है, आप इसको कैसे भी, ये काफी फ्लेक्सिबल हो गया, ये देख सकते हैं आप। साथ में हमारे पास है पालक पनीर बटर और चीज की फिलिंग। मुझे तो देखते ही पानी आ रहा है। ये आप इस फिलिंग के साथ में सैंडविच के साथ जा सकते हैं, यानी एक फिलिंग का आप इस्तेमाल करके कितनी सारी रेसिपीज बना सकते हैं। हम इसमें एक आज हम अपनी दोनों रेसिपी में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो गार्लिक और चिली की चटनी बनती है, तो गार्लिक चिली को हम थोड़ा सा पेस्ट में देंगे एक फ्लेवर के तौर पे। और साथ में हमारी जाएगी फिलिंग। इनको सेंटर में करके पास इसको हमें अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। तो हम इसे
जी हाँ, समोसा भी इससे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी। लेकिन इसका समोसा अगर बनाए तो उसके लिए आप जो हमारी फिलो शीट होती है, जो फिलो शीट यूज होती है, अगर उसमें इस फिलिंग को डालकर आप समोसा बनाएंगे तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। अपनी जो मैदे का डो होता है इंडियन फिलिंग, इंडियन आउटर लेयर के लिए, फिलो शीट के साथ में ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पे हम एक स्लरी बनाएंगे, जो कि मैं रखना भूल गई थी, तो इसे देनी है एक बाइंडिंग। देख सकते हैं थिक स्लरी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे ना फिलिंग को मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करती हूँ, पनीर चीज सब काफी अच्छे से पूरी तरीके से यमी यमी फिलिंग तैयार हो गई है। हमें पापड़ को यहाँ पर रोल करना है। जिस तरीके से हम ने स्प्रिंग रोल को रोल करते हैं, राइट, जस्ट लाइक उसी तरीके से हमें यहाँ पर वर्क करना है, बट विदाउट स्प्रिंग रोल शीट। देख सकते हैं रोल कितना अच्छी तरीके से हमारा ये रोल हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे, इसमें दूसरे पापड़ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, गोरखपुरी रसोई से है, ओके। हेलो, कैसी हैं आप? आप सभी कैसे हैं? और हम यहाँ पर हमने लिया है सेकेंड रोल, इसे भी बना लेते हैं क्योंकि पापड़ सोख करके रखा हुआ है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये और ज्यादा यूज करने के लायक नहीं बचेगा। इससे बेहतर है कि फिलिंग हमारे पास है और हम इसे भी रोल कर लेते हैं। अगर आपका फर्स्ट लेयर का पापड़ अगर अधिक तरीके ज्यादातर टूट रहा है, उस कंडीशन में आप दूसरा पापड़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्लरी से बाइंड करने के बाद में अगर साइड थोड़े बहुत ओपन रह जाते हैं तो हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, इसलिए ये ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जब रोल साइड से टूटता है तो अंदर ऑयल जाने के चांसेस होते हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। बस इसी तरीके से दूसरा भी हम रोल कर देंगे स्लरी के साथ में। जो फिलिंग मैंने यहाँ बना के ली थी उसमें आपका 3 से 4 रोल बहुत आराम से बन जाएगा। दो तो मैंने बनाए हैं, फिलिंग जो हमारी बची है इसे अच्छी तरीके से एकदम स्प्रिंग रोल की प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, यानी अब टेस्टी सा रोल बिल्कुल इंडियन फ्लेवर में हमारे पास रेडी हो जाएगा। फिलो शीट की हमें किधर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो मोहम्मद दी, तो यहाँ पर मैं प्लेट पर इसे रख लेती हूँ। यहाँ पर ये 2 रोल हमारे रेडी हो गए। आपके अगर गेस्ट आने वाले हैं तो आप इस तरीके से पापड़ का रोल बनाकर बिल्कुल रख सकते हैं अपनी मनचाही फिलिंग के साथ में। कोई जरूरत नहीं है कि जो फिलिंग आज मैंने आपको दिखाई है आप उसी का ही इस्तेमाल करें, आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। यहाँ पर चीज कॉर्न के साथ में एक फिलिंग के साथ में इस रेसिपी को ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन होली स्पेशल है इससे पापड़ के साथ में हम कैसे वर्क करेंगे, बस यहाँ पर वही मेरा मेन मोटिव था। तो इसे हम अभी साइड में रखते हैं, इसके आगे का काम हम बाद में करेंगे,
हम अपनी सेकेंड रेसिपी जो है वो देख लेते हैं कि एक्चुअली में मूंग अच्छी क्या है। मूंग अच्छी यानी जैसे कि नाम से आपने आपको पता चल गया होगा कि मैं मूंग की दाल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ पर मूंग की दाल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को सोख करके लिया है। फ्लेवर के लिए ग्रीन चिलीज ली हुई है, आप देख सकते हैं। साथ ही में कुछ काले के टुकड़े और जिंजर के टुकड़े लिए हैं। कुछ डेकोरेशन के लिए यहाँ पर जाएगा पर्पल कैबेज एंड ग्रीन्स। दोनों रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है जो हमने यहाँ पर फ्लेवर के लिए लिया है वो है हमारी गार्लिक की चटनी। साथ में एक पनीर का क्यूब जाएगा, इसकी प्रोसेस हम करेंगे उसी टाइम पर। तो सबसे पहले इसके साथ में हम एक पेस्ट बना लेते हैं। दोनों रेसिपी सर्विंग के टाइम पे अच्छे से हम ये कर लेंगे। अभी हम एक मूंग की दाल का पेस्ट बनाना है हमें। और दोनों का जो बेस है, मेन जो हमारे हीरो इंग्रेडिएंट है, हम कुकिंग कर रहे हैं आज अमूल के प्रोडक्ट के साथ में जो सबके घर की शान है। यहाँ पर मैंने लिए ग्रीन चिलीज, आप देख सकते हैं, कुछ अदरक के टुकड़े और लहसुन के टुकड़े। ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट हम बाद में भी डाल सकते थे लेकिन हम साथ में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और हम थोड़े से पानी के साथ में इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। मूंग यहाँ पर मैंने सोख करके ली है 4 घंटा, यानी पूरी ओवरनाइट इसे नहीं रखा था मैंने, मॉर्निंग में इसे रखा था। और 4 घंटे में हमारी ये मूंग बिल्कुल रेडी हो गई। आप मूंग बहुत जल्दी सोख हो जाती है, 2 घंटे भी इनफ होते हैं उसे अच्छे से। आपको चाहिए तो आप गुनगुने पानी में आप उसको रख दीजिए, थोड़ा जल्दी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसका पेस्ट कर लेती हूँ। हेलो शेफ ललित मोहन जी, यहाँ पर मूंग की दाल को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट करके लेना है, जिस तरीके से हम मूंग की दाल का चिल्ला बनाते हैं। इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे पहले। थोड़ा सा ब्लेंडर में पानी की हेल्प से ये देखिए हमारे पास मूंग की दाल का पेस्ट रेडी हो गया है। साथ में है ये हमारे पास चावल का आटा, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल बेस वैसे ही बनाकर लेना है जैसे हम मूंग की दाल के चिल्ले का बेस रेडी करते हैं। राइस फ्लावर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो उससे जो है थोड़ा सा
क्रिस्पीनेस आएगी। दो बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने एक कटोरी दाल में लिया है और इसे ना एक बेस मिलेगा। आप जब कोई भी चिल्ला बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो उसमें एक बेस जो होता है लाइक बेसन का बनाते हैं तो तुरंत वो पकड़ लेता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, तो इसे एक बेस मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा वर्क करने के लिए बिल्कुल लिक्विड तैयार है। अब हमें क्या करना है, पनीर लेना है। हम पनीर की ना एक पतली स्पाइस ये लेंगे, स्लाइस लेंगे। इस तरीके से दो स्लाइस ले लिए पनीर की हमने, बाकी का हम साइड में रखते हैं। एक बार दोबारा से हम इंडक्शन को ऑन करेंगे, पैन को, पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। ये जो हमने पनीर की क्यूब्स लिए ना, इसे हम थोड़ा बटर के साथ में टॉस करेंगे। इसमें कोई ऑयल नहीं लेंगे हम, सिर्फ अमूल के बटर के साथ में इसे थोड़ा सा टॉस करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, और गरम मसाला। तरीके से पलटते हुए पनीर की प्रोसेस हम कर लेंगे। जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं आप उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इतना पनीर कर सकते हैं। ये पनीर रेडी हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पापड़ बनाकर रखा था, पापड़ का रोल। हेलो नागेंद्र जी, मैं आज बना रही हूँ आलू पापड़ के साथ में पालक पनीर का रोल। यहाँ पे बटर के साथ में हम इसे अच्छी तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन क्रिस्प करेंगे। थोड़ा सा ऑयल दे देंगे, नहीं तो बटर जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। पापड़ जो है ये मैंने अच्छे से पानी में सोक कर दिया था। रेसिपी रिपीट कर देती हूँ एक बार। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम पापड़ को प्रेस्ट करना है। इसे हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। पालक पनीर का जो इसका फिलिंग है वो बनाने के लिए मैंने बटर और रिफाइंड इनको मिक्स करके लिया था और उसके बाद में उसमें मैंने फ्रेश गार्लिक चॉप करके ऐड करी है, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, पुदीना के पत्ते और साथ में पालक के पत्ते, अमूल की पनीर और चीज़ के साथ में ये एक फिलिंग बनाई है मैंने। जिस किसी का भी मिस हो गया है तो वो अगर अब दोबारा से लाइव देखेंगे आपको ये लाइव में रेसिपी मिल जाएगी।
सेकंड रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर मूंगोची जो बनानी है हमें, हमने उसकी मूंग की दाल ली है, उसके साथ में ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन डालते हुए उसका एक पेस्ट बनाया है थोड़े पानी के साथ में, और अच्छी तरीके से उसे चावल के आटे के साथ में इसे बिल्कुल दोनों तरफ से रोल को क्रिस्प करके लेना है, आप लोग को दिख रहा होगा। और जिस तरीके से स्प्रिंग रोल की शीट को फोल्ड किया जाता है बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ में हम आलू के पापड़ को पालक पनीर की फिलिंग के साथ में फोल्ड करेंगे। पापड़ की बहुत सी रेसिपीज आपने देखी होगी, पापड़ को फ्राई करके उसके लच्छे काट के उसको कोट करके और फिर उसे फ्राई किया जाता है, लेकिन ये रेसिपी क्योंकि लेस ऑयल में बनाई जा सके, आप इसे अमूल के घी के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप बटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो आपका रिफाइंड ऑयल है उसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप बना रहे हैं नवरात्रों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आलू के पापड़ अगर आपने घर में बनाए हुए हैं आपके पास हैं और नवरात्रों में कुछ अच्छा हट के खाना चाहते तो आप इसके अंदर जो सॉल्ट का यूज़ है अनियन गार्लिक को बिल्कुल हटा दें और उसकी जगह पर आप चीज़ों को रिप्लेस करके नवरात्रि लाइव सेशन भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हम और भी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज करेंगे। आप आरजी कलिंगारी का जो फेसबुक पेज है वहां पर भी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी देखने को, पेज को फॉलो करें। अगर आपको इनोवेटिव रेसिपीज देखना पसंद है तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी रोल हमारा जो है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है दूसरा पैर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हेलो रजिया आंटी, पैन को बहुत ज्यादा हीट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले एक बेस बनाएंगे। यहाँ पर हम क्यूब लेंगे, पनीर की प्रोसेस मैंने अभी आपको दिखाई, पनीर की स्लाइस करके पनीर को हम थोड़ा सा मसालों के साथ में टॉस कर लेंगे, वो रेडी रखा है। और अब हम किसी भी रेसिपी को डेलिशियस बनाना है तो आप अमूल की चीज, अमूल का पनीर और बटर ऐड करें। ये देखिए यहाँ पर ये पनीर की जो प्रोसेस करके ली थी एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा। और हमारे पास है ये मूंग की दाल का एक घोल, जिसे हम बहुत ज्यादा, हमारा जो पैन है वो तो गर्म नहीं है देख सकते हैं, जिस तरह से बनाते हैं ना डोसा बनाते हैं, ये हमने यहाँ पर इसे देख सकते हैं
हम इसमें पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऐड करेंगे, इससे ये आसानी से निकल सके। से अच्छी तरीके से हो जाने देंगे। ये देखिए पैन छोड़ना शुरू हो गया है, लेकिन हम ना इसे अच्छे से कलर आ जाने देंगे और ऊपर का जो हमारा पार्ट है उसको हम पक जाने देंगे हाई फ्लेम पर। अच्छे से जो मूंग दाल का हमारा चिल्ला है पैन को छोड़ दिया है, हम इसे थोड़ा सा पलट के हेलो भूपिंदर जी आज का लाइव जिनका भी रह गया है देश ज्वाइन किया है उसके लिए लाइव को आराम से बाद में देखें। ये लाइव बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सा लाइव था। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्का सा कुक कर लेंगे और उसके बाद अब हम अपनी करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हो गई हमारे पास पनीर, हम इसके ऊपर अच्छे से चीज ग्रेट कर देंगे। और अब ये जो चिल्ला है ये चारों तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके प्रेस करना है। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे और कुक कर लेंगे पलटते हुए। एक पॉकेट ये देखिए हमारे पास बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो पनीर का जो सॉरी ये जो मूंग दाल का सीमा जी हेलो सीमा जी जिनकी भी आज की रेसिपीज रह गई है देर से देखने ज्वाइन किया है आपने तो रेसिपीज को जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी और डिलीशियस सी रेसिपी आज की बनी है। यहाँ पर क्या है क्या कंसेप्ट है कि मूंग का दाल का जब चिल्ला बनता है तो पनीर को ग्रेट करके या फिर उसकी फिलिंग को रेडी करके तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पनीर को हल्का सा सिर्फ सौते किया है कुछ स्पाइसेस के साथ में और एक ब्लॉक के तौर पे और साथ में इसमें ग्रेट करके चीज दी है। तो ये रेसिपी जो है वो काफी हेल्दी भी हो जा रही है, बच्चों के लिए फुल ऑफ कैल्शियम प्रोटीन रिच प्रोटीन के साथ में, और आप ये प्रोसेस किसी भी दाल के साथ में कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी ये भी रेडी है। फिलहाल हम प्लेटिंग करते हैं।
बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी। फाइनली हम अपनी प्लेटिंग करते हैं, तो आलू चीज का जो रोल है उसे हम फटाफट पहले कट कर लेंगे। आलू चीज का रोल नहीं है, आलू रोल है पालक पनीर फिलिंग के साथ में। ओके, मैं थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं और हम इसके साथ में जो डिप सर्व करने वाले हैं उसे भी बना लेते हैं। एक तो केचप के साथ में जा सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लेंगे मेयोनीज। साथ में कुछ और नहीं ऐड करेंगे हमने यहाँ पे, जो आज बेस में लिया था गार्लिक चिली का पेस्ट, ये होममेड पेस्ट है, बस इसे ही हम ऐड करेंगे। आप इसमें अपनी मिंट की चटनी मेयो में ऐड कर लें या फिर केचप ऐड कर लें, जो भी करना चाहें वॉट एवर आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास गार्लिक चिली बिल्कुल यमिलीशियस सा जो मेयो है वो रेडी हो गया है। मैंने मोहची को भी काट लिया है, तो यहाँ पर हम ये गार्लिक चिली वाला मेयो लेंगे। इस तरीके से ये है हमारी चीजी मोहची। ये हमारी एक प्लेट रेडी हो गई मुआची की, दूसरी भी हम प्लेटिंग फटाफट कर लेते हैं। पालक पनीर का रोल हम यहाँ पर थोड़ी सी सैलेड लेंगे, अपने बिल्कुल मनचाही सैलेड लेंगे। आप इसे अनियन और दस के साथ में और भी जो सैलेड में लेना चाहें वो ले सकते हैं। थोड़ा सा मेयोनीज के साथ में कोट करें।
पास है ये पालक पनीर का पापड़ रोल, पालक पनीर पापड़ रोल और प्रोटीन एंड रिच हमारा मूंग की दाल के साथ में दोनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं। ये देखिए। हेलो रंजना जी, तो ये है हमारा मुंगाची जिसका नाम मैंने रखा है क्योंकि ये बना है मूंग की दाल और पनीर और चीज के साथ में इसलिए। और दूसरा है हमारा ये पनीर सॉरी आलू पापड़ रोल, तो आलू रोल है बट बिना आलू की ये रेसिपी है आलू के पापड़ के साथ में, जो आजकल होली में होली स्पेशल में आप सभी के घर में बन रहे होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ बनते हैं, नॉर्थ में तो हर एक के घर में बनते हैं। तो उन पापड़ को कैसे इस्तेमाल करें और क्या रेसिपी बना सकते हैं उन पापड़ के साथ में, फटाफट वाली रेसिपी है, आप इसे बनाकर रख सकते हैं, आपके गेस्ट जब आए तब आप इसे सेलो फ्राई करें और सर्व करें। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा आप सभी को, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो अच्छा लगेगा कि ये रेसिपीज औरों तक पहुँच सके। और भी इनोवेटिव रेसिपीज के लिए RJS कलनरी फेसबुक पेज को फॉलो करें और आप YouTube चैनल RJS कलनरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अच्छी रेसिपीज के लिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिलेगी। और आज का ये जो लाइव है ये YouTube RJS कलनरी पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं और अमूल के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो लाइव है यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए सेशन में। बाय बाय।